नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार बोलती हुई नजर आने वाली है आखिरकार राधा की, मुझे बचाओ मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए इस समय मोहन की, तो मोहन पुलिस में कंप्लेंट तो करा रहा है लेकिन मोहन परेशान बहुत ज़्यादा हो चुका है। मोहन का मानना ये है कि जो हो रहा है उसे मैं वैसे ही नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि गुनगुन को ज़रूरत है, मेरी बेटी को ज़रूरत है फिलहाल, और राधा जहाँ पे भी होगी उसे आना ही पड़ेगा मेरी बेटी के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार सभी लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिर इतना परेशान क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों उसकी परेशानी की वजह भी साफ साफ खुले शब्दों में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो परेशान अपनी बेटी के लिए भी है, और अपनी बेटी के लिए इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीका से बेटी याद कर रही है, गुनगुन याद कर रही है, और गुनगुन ने बोल दिया है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे किसी भी तरीक़ा से आखिरकार अपनी माँ से मिलना है दोस्तों, क्योंकि वो अपनी माँ मानती है। और आप लोग जानते हैं कि लगातार कहानी में एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं साथियों। आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो व्हाट कैन आई डू, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर दामनी का पर्दाफाश होना तो दोस्तों बिल्कुल तय है, निश्चित है। आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही दामनी का एक से बढ़कर एक एक ट्विस्ट खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जब उसे हो गया आखिरकार जेल की सज़ा, और जेल की सज़ा होनी भी उसके लिए निश्चित ही है दोस्तों, क्योंकि उसके कर्मकांड जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि कर्मकांड भी किस क्षमता से बढ़े हैं उसके, सभी लोगों को इतना भी पता ही है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।